पिता परमेश्वर को नयो वादा। एक स्वर्गदूतल एक जवान जनन मरियम बटी बोली कि वो पिता परमेश्वर का नौनते जन्म दयाली, वह अभी कुंवारी छे, पर पवित्र आत्मा वी मा आई और वह गर्भवती वे। वी लेख नौनते जन्मदिन जैकु नौ वील येशु रख, इले येशु पिता परमेश्वर और मनिक दुयों कुछ। येशु ल बहुत सा चमत्कार करिन जो दिखौंदिन कि वो पिता परमेश्वर च, वो पानी पर चली और आंधी ते शांत कैर। वेल बहुत सा बीमार लोगों ते भी खूब कैरी और बहुत सा लोगों में बैठी भी दुष्ट आत्माओं ते निकाल। वेल मोरिया लोगों ते जूंत कैर दिन और वेल पांच रोटी और दुई माछों ते 5,000 लोगों ते खाने को पर्याप्त कैर दिन। यीशु एक महान शिक्षक भी छो, जो कुछ भी वेल सिखाई वो वेल सिद्ध वे के सीखे। जो ऊ लोगों बेटी कानों को बोल दो वे ते कंचाणु छ, किले की वो पिता परमेश्वर को नौन छो। उदाहरणों को वेल सिखाई कि तुम ते हैं का लोगों ते ठीक ही वे ढंग से प्रेम करने की जरूरत छ, जन तुम आप ते प्रेम कर दा। वेल यू भी सिखाई कि तुम ते सभी चीजों बेटी ज्यादा और संपत्ति से भी ज्यादा पिता परमेश्वर ते प्रेम कंचाणु छ। यीशु बोली कि दुनिया में कै भी चीज ते पाण से ज्यादा अच पिता परमेश्वर का राज्य में वाह। वे का राज्य में तुमको प्रवेश करने को जरूरी च कि पिता परमेश्वर तुम ते तुम्हारा पापों बेटी बचो। यीशु बोली कि कुछ लोग वे ते स्वीकार कर ला, पिता परमेश्वर उन लोगों ते बचा लो, पर दूसरा लोग वे ते स्वीकार नहीं कर ला। वेल यू भी बोली कि कुछ लोग अच्छी धरती का जन छन, किले कि वो यीशु का बारे में शुभ संदेश ते स्वीकार कर दिन और पिता परमेश्वर ऊँ ते बचान छ, पर कुछ लोग रास्ता की सकत धरती का जन छन। पिता परमेश्वर को वचन बीज का जन रास्ता में गिर दो, पर उख कुछ भी नहीं उगुद। यु लोग यीशु का बारे में संदेश ते अस्वीकार कर दिन, वे का राज्य में प्रवेश कन से मना कर दिन। यीशु सिखाई कि पिता परमेश्वर पापियों बेटी बहुत प्रेम कर दो, ऊ लुखों ते माफ कन चांदो और ऊँ ते अपनी संतान बनान चांद। यीशु यू भी बताई कि पिता परमेश्वर पाप बेटी नफरत कर दो, किले कि आदम और हवल पाप कैरी, इले उनका सारा वंशजुल भी पाप कैर। इले दुनिया में रोण वालो हर आदिम पाप कर दो और पिता परमेश्वर बेटी दूर च। हर आदिम पिता परमेश्वर को दुश्मन छ, पर पिता परमेश्वर इन दुनिया में रहने वाला हरेक आदिम बेटी इन प्रेम कैरी। वे लपड़े इकलौता नौनते दे दीन कि पिता परमेश्वर ऊँते दंड नि दे जुए पर विश्वास कर दिन। यहाँ का बदला उवे का दगड़ी हमेशा कुराला। तुम मुरण का लायक छा, किले कि तुम पाप कैरी, तुम बेटी पिता परमेश्वर को गुस्सा होण ठीक ही छा। यहाँ का बदला ऊ यीशु पर गुस्सा वे। वेल यीशु ते सूली की मौत दे के दंड दे। यीशु कभी पाप नहीं कैरी और पिता परमेश्वर का दंड ते स्वीकार कैरी। इन्हीं के ही तुम्हारा पापों ते और इ दुनिया का रहण वाला हर एक जन का पापों ते उठे के ली जाणु को वो एक सिद्ध बलिदान छो। यीशु अब ते पिता परमेश्वर को बलिदान कैर दीन, इले पिता परमेश्वर कै भी पापी ते इक तक की भयंकर पापों ते भी माफ कर। जबकि तुम बहुत सा अच्छा काम होते करदा, तब भी पिता परमेश्वर तुम ते यहाँ का द्वारा नि बचाल। वे को दगड़े बनणु को इन कुछ भी नीच जो तुम कर सकदा। यहाँ का बदला तुम ते विश्वास कन चाणु च कि यीशु पिता परमेश्वर को नौन च और वो तुम्हारा बदला सूली पर मर गए। और यू भी कि पिता परमेश्वर वे ते फिर से जूंदो कैर दीन। जो तुम यहाँ पर विश्वास कैरा तो पिता परमेश्वर तुम्हारा पापों ते माफ करुल। पिता परमेश्वर वे हर आदिम ते बचा लो जो यीशु पर विश्वास कर दो और वे ते अपड़ो प्रभु स्वीकार कर दो, पर ऊ ते नि बचा लो जो वे पर विश्वास नहीं कर दिन। यहाँ बटी कोई फर्क नहीं पड़ दो कि तुम अमीर छा या गरीब, आदिम छा या जनन, बुढ़िया छा या जवान, या तुम कखरान्या। पिता परमेश्वर तुम बटी प्रेम कर दो और चाँचू कि तुम यीशु पर विश्वास कैरा कि ऊ तुम्हार दगड़िया बन जाओ। यीशु तुम ते बुलाणु चु कि वे पर विश्वास कैरा और बपतिस्मा लिया।
किले कि तुम विश्वास करदा कि पिता परमेश्वर को इकलौतो नौनो यीशु ही मसीह छ। क्या तुम विश्वास करदा छा कि तुम एक पापी छा और यू कि तुम पिता परमेश्वर का द्वारा दंड दिए जाने का लायक छा? क्या तुम विश्वास करदा छा कि तुम्हारा पाप होते मिटाणो को यीशु सूली पर चढ़ी और मर गए? जो तुम यीशु पर और जो वेल तुम दगड़ कहरी वे पर विश्वास करदा छा तो तुम एक मसीह छा। शैतान अपना अंधकार का राज्य मा अब तुम पर राज्य निकर दू। अब पिता परमेश्वर अपना उजाला का राज्य मा तुम पर राज्य कनु छ। वेल तुम ते पाप कन से रोय के लिए जैते तुम करदा छा। वेल तुम ते एक नयो अच्छो जीवन दीन। जो तुम एक मसीह छा तुझु यीशु कहरी वे का कारण पिता परमेश्वर तुम्हारा पाप उते माफ कर दीन। अब पिता परमेश्वर एक दुश्मन की अपेक्षा तुम ते एक परम मित्र मर्द। जो तुम पिता परमेश्वर का दगड़े छा और प्रभु यीशु का सेवक छा तो तुम उन बातों को पालन करने की इच्छा कर लिया जो यीशु तुम ते सिखांद। भले ही तुम एक मसीह छा शैतान अभी भी पाप कराणु को तुम्हारे अजमैश कर लो पर पिता परमेश्वर हमेशा उ कर दू जो बोल छो कि वो करो लो। वो बोल दू कि जो तुम अपना पाप होते मान ली लिया तो वो तुम ते माफ कर दिया लो। वो तुम ते पाप का विरुद्ध में लड़ने की सामर्थ दिया लो। पिता परमेश्वर तुम ते प्रार्थना कर और वही का वचन ते पढ़ने को बोल दो। वो तुम ते हैं का विश्वासियों का दगड़ी मिल के वही की आराधना करने को भी बोल दो। तुम ते हैं का लुख ते भी बताने की वेल तुमको क्या कह रहे। जो तुम यू सभी कामों ते कह रहा तो तुम वे का एक पक्का दगड़िया बन जाए। रोमियो 3:21-26, 5:1-11, यहुन्ना 3:16, मरकुस 16:16, कुलुसियों 1:13-14, दूसर कुरुंतियों 5:17-21, पहल यहुन्ना 1:5-10-1 बाइबल की कथा।